6 विंडो लगी हुई थी, ये नाजायज रेजिडेंशियल एरिया में सर्विस स्टेशन चला रहे, जिससे रोड भी टूट रहा है और यहाँ लगातार जाम की समस्या रहती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पानी के ये सर्विस स्टेशन है, ये हैवी प्रेशर में पानी चलाते थे, महिलाओं के ऊपर पानी डालना, इन्होंने बदतमीजी करने, मन बूझ के महिलाओं के साथ कितनी बार बदतमीजी के लिए भी इनकी बात हुई है कि महिलाओं के ऊपर भी पानी डालते थे जानबूझ के। तो आज इनको सीलिंग का काम किया गया है। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी नगर निगम की पूरी टीम का। सर्विस की दुकान थी, लेकिन हमने कभी किसी के डराते हुए राही पे पानी नहीं मारा आज तक भी। हम जो पानी मारते थे इधर गाड़ी पे नीचे करके ही पड़ता था हमेशा। ये तो अड़ोस पड़ोस वाले ने जान के शिकायतें करके ऐसे काम को बढ़ा के आगे लिखवा दिया है कि ये कर दे वो कर दिया है। ऐतिहासिक शहर पानीपत की सारी छोटी बड़ी गतिविधियों को जानने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पानीपत में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पानीपत के तहसील कैंप में ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम द्वारा 4 सर्विस स्टेशन की दुकानों को सील किया गया है। हालांकि इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। एक के बाद एक 4 दुकानों को सील कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौजूद है, साथ ही नगर निगम की टीम भी मौजूद है। मौजूदगी में ही इस पूरी कार्यवाही को किया गया। एक के बाद एक 4 दुकानों को सील किया गया है। वहीं मौके पर इलाके की पार्षद अंजलि शर्मा भी मौजूद रही। उन्होंने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी जो शिकायत है सीएम विंडो पर की गई थी, और इसके अलावा कई बार दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं मान रहे, तो धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार शिकायतें मिल रही थी कि वो पानी की पाइप से जो है आती जाती महिलाओं पर बौछारे करते थे, जिससे वहां की महिलाएं काफी ज्यादा परेशान थी। इतना ही नहीं, सर्विस स्टेशन की वजह से जो सड़क अभी हाल ही फिलहाल में नई बनी थी, वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होंने ये कहा है, फिलहाल जो है आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के तहसील कैंप की, जहां पर आज ये कार्रवाई की गई है। सीएम विंडो पर शिकायत दी गई, जिसके बाद सीएम विंडो की शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। 6 विंडो लगी हुई थी, ये नाजायज रेजिडेंशियल एरिया में सर्विस स्टेशन चला रहे, जिससे रोड भी टूट रहा और यहाँ लगातार जाम की समस्या रहती है इनकी वजह से। तो इनकी 6 विंडो लगी हुई थी, इस बेस पे हमने इसको नोटिस दिए थे और उसके बाद इनकी आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को परेशानी थी और 6 विंडो लगी हुई थी। हाँ जी, कितनी दुकानों को किया गया सील? 4 दुकानों को सील किया गया है। एक का कोर्ट केस था, उसमें स्टे है, इसलिए उसको सील नहीं किया गया। हाँ जी, आगे भी शिकायत मिली कार्रवाई होती है? हाँ जी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इलाके की पार्षद अंजलि शर्मा ने बताया कि इसकी शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इससे वो काफी खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्विस स्टेशन की वजह से आती जाती महिलाओं को और जाम जो है वो लग जाता था, काफी परेशानियां होती थी, लेकिन जिस तरह से आज ये कार्रवाई की गई है वो काफी सराहनीय है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पानी के ये सर्विस स्टेशन है, ये हैवी प्रेशर में पानी चलाते थे, महिलाओं के ऊपर पानी डालना, इन्होंने बदतमीजी करनी, गुंडागर्दी करनी, सड़क के बीचों बीच गाड़ियां धोनी, एम्बुलेंस भी रुकती थी, स्कूल की बसेस भी रुकती थी। बहुत ही अजीब एक समस्या ऐसे सामने आई थी। तो बार बार इनकी नोटिस देने के बाद भी सीएम विंडो भी काफी बार लगी, लेकिन दुकानदार नहीं माने। तो आज पूरी टीम को बुला के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को और SHO के कोऑपरेशन के साथ उन्होंने पुलिस की पूरी टीम भेजी, 2 गाड़ी भेजी और आज इसको सीलिंग का काम किया गया। जानबूझ के महिलाओं के साथ कितनी बार बदतमीजी के लिए भी इनकी बात हुई है कि महिलाओं के ऊपर भी पानी डालते थे जानबूझ के। कुछ लोगों के तो यहाँ दुकानें ही नहीं थी, दुकानों के बगैर भी सड़क के ऊपर ही समर्सिबल लगवा के और ये पानी चलाना, वेस्टेज करना पानी की, बहुत वेस्टेज। और सड़क भी हमारी खराब होगी बिल्कुल, नगर निगम की अभी सड़क बनी थी बिल्कुल ठीक ठाक थी, सिर्फ इन्हीं की दुकानों के आगे जो है बहुत बुरा हाल हो गया, आप देख भी सकते हैं। तो आज इनको सीलिंग का काम किया गया है। बहुत ही
बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी नगर निगम की पूरी टीम का। वहीं दुकानों पर जब ये कार्रवाई की गई तो दुकानदार काफी गुस्साए हुए नजर आए। महिला का गुस्सा जो है फूट पड़ा। उनका कहना है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं ऐसा कुछ नहीं है और ये कार्रवाई सरासर गलत की गई है। सर्विस की दुकान थी लेकिन हमने कभी किसी के दरवाजे पे राही पे पानी नहीं मारा आज तक भी। हम जो पानी मारते थे इधर गाड़ी पे नीचे करके ही पड़ता था, हमेशा हाथ नीचे रहता था, कभी शिकायत नहीं आई थी हमने के। तो लोगों ने ये तो अड़ोस पड़ोस वाले जान के शिकायतें करके ऐसे काम को बढ़ा के आगे लिखवा दिया है कि ये कर दे वो कर दिया है। तो अंकल जी ये कह रहे हैं कि बीच में गाड़ी खड़ी कर देते रोड पे, ऐसा कुछ था क्या? बीच में हमारी गाड़ी कभी नहीं होती, सामने मकान जितने दुकानदार बैठे हैं उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इसलिए जाम लगता था। इधर तो हम छाई से नीचे करके करते थे, जब भी करते थे वाचिंग काम। कितनी दुकान? चार दुकानें बंद कर दी। अभी चार करियां ये सिलेगी में, पांच थी इकट्ठी, पांचवी दुकान को छोड़ दिया उन्होंने। तो फिलहाल जो है पानीपत के तहसील कैंप में ये चार दुकानों को सील किया गया है और ये कार्रवाई की गई है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। छह विंडो लगी हुई थी भैया, नाजायज रेजिडेंशियल एरिया में सर्विस स्टेशन चला रहे जिससे रोड भी टूट रहा और यहाँ लगातार जाम की समस्या रहती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पानी के ये सर्विस स्टेशन है ये हैवी प्रेशर में पानी चलाते थे, महिलाओं के ऊपर पानी डालना, इन्होंने बदतमीजी करनी, तो आज इनको सीलिंग का काम किया गया है। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी नगर निगम की पूरी टीम का। सर्विस की दुकान थी लेकिन हमने कभी किसी के दरवाजे राही पे पानी नहीं मारा आज तक भी। हम जो पानी मारते थे इधर गाड़ी पे नीचे करके ही पड़ता था हमेशा।